वेलकम टू डे टू ऑफ सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम। आज का हमारा क्या काम है, टास्क वन इज द जर्नल टास्क जो हमने कल किया था। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, टू डिजिट नंबर के ऐड करो आपस में, उसकी प्रैक्टिस करो। ये तो घूमते फिरते कभी भी कर लोगे, इसके लिए स्पेशली बैठना मत पढ़ने। पजल्स प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी पजल्स थी हमारे पास, सुडोकू, काकुरो, फितोशिकी, क्रॉसम, ये चार पजल्स प्रैक्टिस करो। जो नॉवल उठाई थी उसके अगले 20 पेजेस पढ़ो, और क्या क्रक्स निकलता है अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो कमेंट्स में बताओ कौन सी नॉवल है, क्या क्रक्स निकल रहा है। वर्ड पावर मेड इजी उठा लो, एक्सरसाइज वन रिवाइज करना, और एक्सरसाइज टू आज खुद से पढ़ना और नए वर्ड सीखो, और कोशिश करो इन वर्ड्स को अपनी नॉर्मल यूजेज में लाने की। बंदे से बात करते हो, बंदी से बात करते हो, स्लैंग्स की जगह इसका यूज करो। टास्क टू इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टास्क है। आज आपको पढ़ने हैं फ्रैक्शंस, स्पेशली जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, कई बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं इसमें, मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो इसकी अच्छी नॉलेज। डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, अब देखो आता सबको है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर ही नहीं पाओगे, बट स्पीड होनी चाहिए, तो इसको रिवाइज करो, इसको प्रैक्टिस करो, 30-40 क्वेश्चन लगा लो, और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। VARC के अंदर ग्रामर में रेनन मार्टिन तुम्हारे पास है, नाउंस कि वापस से तुम्हें बचपन याद आ जाएगा नाउंस पढ़ते हुए, नाउंस पढ़ो, एक्सरसाइज वन और टू उसकी प्रैक्टिस करो। ये अभी के लिए छोड़ दो, मुझे लग रहा था ज्यादा हो जाएगा, इतना कर नहीं पाओगे, भागने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम है हमारे पास, आराम से करेंगे, तो ये अभी के लिए छोड़ सकते हो।